छत्तीसगढ़ की बात करें सौरभ, तो ये लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंट है तो वो छत्तीसगढ़ है, जहां पर वो ये मान के चल रही है कि वो जीत रही है। रुचि कुमार जुड़ी हुई है वहां से, जैसा देवेंद्र कह रहे थे रुचि, वहां की बस किसी करिश्मे के भरोसे भारतीय जनता पार्टी है या उसे लगता है क्लोज फाइट में मौका हाथ लग सकता है? देखिए सौरभ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो बीजेपी को भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में उसको यहाँ पे सरकार दोबारा बनाने का मौका मिले एक 5 साल के गैप के बाद। अब बीजेपी ये कह रही है कि वो इसलिए यहाँ दोबारा सरकार बना पाएगी क्योंकि भूपेश बघेल की जो 5 साल की सरकार थी उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। लेकिन जब आप जाएंगे यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में जाएंगे, बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे या कांग्रेस ऑफिस में जाएंगे और कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे, तो आपको एक ये फील होगा कि जो उत्साह, जो जोश कांग्रेसियों में है वो बीजेपी में उसकी कमी दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स परसों से ही लग गए हैं आशीर्वाद देते हुए विजयी भव। अब कांग्रेस में ज़बरदस्त तैयारी है, वहाँ भी एक वॉर रूम बनाया गया है कांग्रेस ऑफिस के अंदर और उसमें सारी जितनी विधानसभा सीट्स हैं सब जगह से उनको नतीजे फौरन मिलेंगे। और जैसा वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया है कि उनको उम्मीद है कि 60+ सीट्स कांग्रेस की आने वाली हैं। 60 अलग अलग तरह की मिठाइयों का ऑर्डर दिया गया है और अगर उनका कहना है कि और ज़्यादा सीट बढ़ेंगी तो ये वैरायटी जो है मिठाइयों की 70 तक पहुँच सकती है। 100 किलो मिठाई का ऑर्डर हो चुका है, अब वहाँ पे आतिशबाजी का इंतज़ाम उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। तो कांग्रेस में ज़बरदस्त जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वो कमी बीजेपी में दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी के नेता अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि उलटफेर होगा और वो सत्ता में बीच में कांग्रेस को 5 साल सरकार चलाने का मौका मिला जो उन्होंने अच्छी तरह से काम नहीं किया। और अब बीजेपी की सरकार वापस आने वाली है। अब बीजेपी कई तरह के तर्क दे रही है कि क्योंकि यहाँ पे कृषि प्रधान पूरा प्रदेश है, करीब 70% ये जो आबादी है वो किसी न किसी तरह से खेती से जुड़ी है, तो और वो 70% में भी धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए हैं किसानों से और कांग्रेस ने भी किए हैं, तो अब दोनों को इंतज़ार है कि कौन किसके वादे पर भरोसा करता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। साफ आपने बता दिया रुचि, इतने किलो मिठाई आ चुकी है, 60 तरीके की मिठाई कांग्रेस पार्टी ने ऑर्डर करी है, ये आत्मविश्वास ही झलकाता है। एक रिपोर्ट तेलंगाना की भी हम लोग ले लेते हैं। सुरेखा जुड़ी हुई है हमारे साथ और यहाँ स्टूडियो में राघवन भी हमारे साथ है। सुरेखा, पहले आपसे वहां क्या बता रही है नेताओं की बॉडी लैंग्वेज? जी देखिए, कल हम बीआरएस के नेताओं से भी मिले और कांग्रेस के नेताओं में भी, कांग्रेस के नेताओं में तो लग रहा है कि हमारे पास होश है तो हमारे इसीलिए हमारी पार्टी में जोश भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं किसी भी हालत में या कोई चूक ना हो जाए, इसीलिए कल दोपहर से ही जो है बिल्कुल हलचल बढ़ गई, जहाँ पर हमने देखा कि डीके शिवकुमार के आने की बात हो रही थी कि 6 बजे आएंगे, 7 बजे, लेकिन वो खैर 12 बजे के बाद आए। लेकिन इस बीच में पूरी रणनीति तय की गई कि क्या होगा अगर हमारे नेताओं के साथ, क्योंकि जैसे डीके शिवकुमार कह रहे थे कि ऑलरेडी कनेक्शन बात कर रहे हैं KCR जो है हमारे जो नेता हैं उनसे, तो इसीलिए उन सभी नेताओं के साथ कैसे जुड़े रहे ताकि पार्टी जो है उन पर निगाह रख सके। पहले कहा गया ताज कृष्णा में करीब 50 रूम्स जो है वो बुक की गई थी और कहा जा रहा था कि पहले ही नेताओं को यहाँ पर लेकर आया जाएगा, लेकिन बाद में तय हुआ कि नहीं, जहाँ पर जो है काउंटिंग हो रही है वहाँ पर होना ज़रूरी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और इसीलिए वहाँ पर ये नेता रहेंगे और जैसे ही जीत के नज़दीक या जीतते हुए दिखेंगे तो सभी को जो है हैदराबाद लेकर आया जाएगा। ये फैसला पार्टी की तरफ से किया गया है और उनके ऊपर भी कड़ी निगरानी रखने के लिए बड़े नेताओं को यहाँ पर हैदराबाद लेकर आया जा रहा है। लेकिन साथ ही में जिस तरीके से कल हम उत्तम कुमार से बात कर रहे थे, उन्होंने एक शपथ ली थी कि वो शेविंग नहीं करेंगे और अब कल जब मैं बात कर रही थी तो कह रहे थे कि अब बस 3-4 दिन जैसे ही नतीजा आ जाएगा और हमारी सरकार बनेगी तो मैं जरूर जो है जैसे मैंने वादा किया था और मैं आपको क्लीन शेव में दिखूंगा। तो इस तरीके से जो है नेता बहुत ज्यादा यहाँ पर भरोसा दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन बीआरएस के खेमे में भी जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक उन्होंने कल बुला ली है और साथ ही में यहाँ तक कि कल उनके निवास पर भी ज़्यादा बहुत जो नेता है या फिर जो अभी सरकार जो है उसके जो मंत्री हैं उन सभी को बुलाया गया और उनको कहा कि आप निश्चिंत रहिए सरकार हमारी बनेगी। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी भी अपने आप को मानकर चल रही है कि करीब 15 सीट तो जो है उनको मिलेंगे, ऐसा होगा तो कांग्रेस को नुकसान होगा। तीनों पार्टियों का असेसमेंट जो है वो आपने बता दिया है क्या रहा। एक राघवन से भी हम कमेंट ले, क्या
रिपोर्ट मिल रही है केसीआर के कैंप से, क्या पता चल रहा है? जी देखिए, इस जो पूरी बाड़ेबंदी की बात हो रही है, जो खबर मेरे पास है, 12 मंत्रियों को कल रात रवाना किया गया है डीके सुकुमार के साथ में, और ये कहा जा रहा है कि अब मैन टू मैन मार्किंग होगी। इसके पीछे की एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूँ। जो बीआरएस के खेमे के जो बड़े नेता हैं उनकी टीम के लोग हमें बताते हैं कि लास्ट के दो दिन ऐसा बताया जा रहा है कि बीआरएस ने बहुत जबरदस्त पोल मैनेजमेंट किया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन सकता है अगर जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसके अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखने वाली बात होगी कि जब रेवंत रेड्डी से हमारी बात हुई थी वोटिंग डे से एक दिन पहले, मैं उनसे मिला था, उनका ये कहना है कि मतलब कॉन्फिडेंस छोड़ दीजिए, सौरभ ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे हैं। वो बोल रहे हैं 80+ हमारा कहीं नहीं जा रहा है, उसकी कई सारी वजह है जिसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली बात ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि अगर मामला फंसता है तो उसके बाद की क्या स्थिति होगी, उसके लिए अभी से सारी तैयारियां वहां पर की जा रही है। केसीआर पूरी तरीके से तैयारी अपनी जो की है लास्ट दो दिनों में उसके भरोसे, आपने देखा और पूरा कैंपेन जो चला और 5 साल की सरकार जो चली उसके खिलाफ एंटी इनकंबेंसी, उसके भरोसे कांग्रेस पार्टी को बड़ा भरोसा है। अब आप जरा कुछ ग्राफिक्स देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, किस तरीके से आपको आज दिन भर ये नतीजे देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीकों से अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आप तक हमने ये नतीजे एक नए कलेवर में पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का भी जो है पैनल वो भी जुड़ा हुआ है, उनकी भी एक एक राय जरूर लेना चाहिए। हर्षवर्धन जी, कुछ करना हो आपको चेंज आपकी असेसमेंट में कर ले, अभी है 1.5 घंटा। खास तौर पर राजस्थान को लेकर हर्षवर्धन जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी आ रही है। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जब नेता लोग अपना असेसमेंट नहीं बदल रहे हैं तो हम लोगों को भी इतनी जल्दी असेसमेंट बदलना नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से चुनावों का अभियान चला है, जिस तरह से नेताओं का व्यवहार दिखा है, उसमें एग्जिट पोल आने के बाद मैं और आश्वस्त हो गया हूं कि मेरे जो अनुमान है वो सच्चाई के बहुत नजदीक रहने वाले। अनुमान बताते चले और मैं अनुमान फिर से दोहराता हूं, ऐसे तो इतनी बार आपके साथ हमने अनुमान बताया कि लोगों को रट गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार जीत हासिल करने जा रही है। राजस्थान में उसकी जीत शानदार थी, लेकिन अपने कर्मों से उन्होंने बहुत मुकाबला, जिसको कहें कि अंतर कम कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी वो 60 तरह की मिठाई है, बड़ा अच्छा है, वहाँ लोगों को अलग अलग रंग मिलेंगे, मुझे लगता है वो मिठाई काम आएगी, कांग्रेस जीतेगी वहाँ। और तेलंगाना में अभी भी मुझे लगता है कि कांग्रेस का मोमेंटम गेन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, लेकिन सरकार बीआरएस बनाने जा रहे हैं। और एक चीज़ समझिए, बीआरएस को कम सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, कांग्रेस को पूरी 60 सीटें चाहिए, एक भी कम हुई तो सरकार बनाना मुश्किल होगा। और मुझे लगता है मिजोरम तो वैसे भी अभी नतीजे आज नहीं आएंगे, लेकिन वहां की जो स्थिति है उस पर एक कहे कि बहुत स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखती है। सबसे ज्यादा जो शब्द इस्तेमाल होता है कांटे की लड़ाई तो वहां है, लेकिन उसमें दोनों नेशनल पार्टियां कहीं सीन में नहीं है। समीर जी देखिए, राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो कॉन्फिडेंट है, थोड़ा आगे पीछे बचे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं ने भी बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाया मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों को लेकर। संघ का भी ये आकलन है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 115 से 125 सीटों के बीच लेने जा रही है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी कंफर्टेबली। राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, हालांकि ये अशोक गहलोत ने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा और आखिरी समय में उस गैप को बहुत कम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेगी। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर बहुत तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहा नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस का पल्ला फिलहाल थोड़ा भारी नजर आ रहा है। और तेलंगाना की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है तेलंगाना में।